हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में भी हम लोग सीखने वाले हैं बैंक का स्टेटमेंट कैसे हम लोग चढ़ाते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, चेक से पेमेंट किया है, ठीक है, और अब पैसा ट्रांसफर हो रहा है और हमको ये क्लियर नहीं है कि वो पैसा किसको हम दे रहे हैं। बस उसका अकाउंट नंबर इस बिल पे दिया है, इस बैंक स्टेटमेंट पे दिया है। तो ऐसा आपको स्टेटमेंट मिल जाए जहां पे आपको भी क्लियर नहीं है, डाउट है कि रियल में पैसा किसको पेमेंट कर रहे हैं, ये जो चेक डिपॉजिट हो रहा है किसको हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को हम कुछ टाइम के लिए सस्पेंस में रख सकते हैं। और आगे चल के जब भी हमारा सीनियर, हमारा मालिक, हमारा अकाउंटेंट या सीए आएगा तो उससे पूछने के बाद हम आसानी तरीके से ट्रांजेक्शन को फिर से मॉडिफाई करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए देखिए बताया क्या जा रहा है। तो देखिए हमारे बैंक से पैसा जो कट रहा है वह 73,862 रुपए डिडक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है? 73,862 रुपए। तो देखो पहले टोटल हमारा वैल्यू कितना था, 5,76,724 रुपया 25 पैसे। लेकिन आप बताओ था, लेकिन और भी हमने कर्ज ले लिया इससे, बैंक से और कट गया, तो कितना कट गया? 73,862। तो आप बताओ अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। अरे कर्ज था पहले 5 और ले लिया 50,000 और, तो 5,50,000 हो जाएगा ना, पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए 5,76 से लेके अब कितना हो गया, 6,50,586 रुपया 25 पैसा, 25 पैसा। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, टैली को ओपन करते हैं। अगर नाम पता रहता तो नाम ही डाल देते हैं, लेकिन मुझे भी क्लियर नहीं है तो इनको सस्पेंस में डाल सकते हैं। नहीं तो क्या करिए, इसको रामू रोहन से सेल करिए, समझिए इतने कम सेल किए थे और ये हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कर लोगे वहां पे मान लो ऐसा आपके साथ दिक्कत आ जाएगा तब जी, तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। हाँ वही बना रहे हैं। कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बताएंगे। कुछ नहीं, पहले ही भाग जाओगे तुम। हाँ कौन बोल रहा ज्यादा जी ना, मारेंगे हाँ, कंपनियां तो ओपन कर लें दो। लक्ष्मी बिल्डर्स आ जाएंगे, क्रिएट ब्लेजर, ठीक है, क्या बनाए, ठीक है बाबू, अंडर गुरु नॉट क्लियर है, बैक आएंगे और कहाँ आएंगे, वाउचर। क्या कर रहे हैं हम लोग, देख गधा, पेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी, पेमेंट कर रहे हैं। थोड़ा ये भी दिमाग लगाया करो, इतना पिटाओगे तुम लोग, तेरा इतना मेहनत से पढ़ाना है, तुम लोग सुनते नहीं हो। वो नहीं उठाएगा बाबू 2 तारीख वाउचर और पेमेंट वाउचर। अब देखो हमको इसको डेबिट करना है, ए, किसी का कोई फीस लाया जी इसमें? नहीं है, लाइफ नंबर
नहीं, डेबिट करेंगे कितने रुपए से? जी 73,862। ध्यान देना, क्रेडिट करेंगे किसको? SBI ओडी को, बस। और चेक नंबर क्या है? 42,597। ठीक है, बस इंटर करके एक्सेप्ट, अमाउंट भी मिलाते रहना। क्लियर है? चलिए आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप बताओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैश डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, डिपॉजिट सेल मतलब कैश हम जमा कर रहे हैं, कहां पे? बैंक में। किस बैंक में? अपने ही बैंक में। तो आप बताओ, जब बैंक में पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो कहां जाते हैं? किस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रा वाउचर का। तो आप बताओ, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला होगा कि देने वाला? तो बैंक डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? जी, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से? 1,40,000 से। क्लियर है ना? वो आ जाते हैं, या फोर बटन दबाएंगे। कौन सा बटन? या फोर। चलिए, और क्रेडिट करेंगे किसको? कैश को। कितने रुपए से? 1,40,000 से। अब डेबिट SBI ओडी। तो आप बताओ, पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि लोन हमारा था 6,50,586.25 और अब बैंक में जाके जमा कर दिया और 1,40,000, तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा। हमको देना 10,00,000, 1,40,000 दे दिया तो बचेगा ना जी? क्या घट जाएगा? बढ़ेगा नहीं। तो ये वैल्यू कितना आ गया? 5,10,586.25। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग मिलाते रहेगा। आपको सर आपका क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बीच में क्वेश्चन छोड़ा है, आप लोग कोई मत छोड़ना। क्लियर है? इंटर। अब कर नोट बताओ। ठीक है, 70 × 140, ठीक है, 1,40,000 आ जाएगा, हो जाएगा। इंटर, बस एक्सेप्ट। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, अगला जो क्वेश्चन है